राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने विभिन्न मुद्दों के लिए संघर्ष यात्रा शुरू की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। वे विदर्भ के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। सरकार का ध्यान खींचने के लिए कर्णी सेना की संघर्ष यात्रा अब भी जारी बताई जा रही है। महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने संघर्ष यात्रा के जरिए सरकार से विभिन्न मुद्दों की मांग की है, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से आर्थिक महामंडल की स्थापना महाराष्ट्र में की जाए, SC ST एक्ट में बिना जांच की गिरफ्तारी पर रोक लगे, एट्रोसिटी कायदे का दुरुपयोग के कारण देश में बढ़ते हुए जातिवाद पर तुरंत रोक लगाई जाए, EWS आरक्षण में भूमि और मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए, EWS आरक्षण में भर्ती आयु 36 की जाए, किसानी उपकरणों की खरीदी पर सब्सिडी बढ़ाई जाए तथा सभी किसानों को बीजों खाद्यान्नों एवं उपकरणों को GST मुक्त किए जाए, जैसी मांग रखी गई। असेंबली में सरकार के सामने रखा था। पिछले 4 सालों से इन मुद्दों की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके इन मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन महाराष्ट्र में किया जाएगा, और उस महाराष्ट्र का दौरा आज हमने संकल्प लिया है, मैंने खुद ने, कि मैं नंगे पैर ये पूरा महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और महाराष्ट्र के घर घर जाकर इस आंदोलन की आवाज़ बुलंद करूंगा। NBC न्यूज़ के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।